एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिर आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते आज हम बात कर रहे हैं गांव में जलाशयों की। जलाशय भी गांव की एक मूल समस्या है। गांव में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। पहले तो जनसंख्या को देखते हुए गांवों में तालाबों को पीने के पानी की समस्या है। अगर जहां कहीं तालाब और हैंडपंप भी लगे हुए हैं तो वहां की स्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार की अनदेखी के कारण तालाब सूखते जा रहे हैं और समय पर फंड न मिलने के कारण खराब हैंडपंपों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। लेकिन ग्राम प्रधानों के अथक प्रयासों द्वारा गांव में पेयजल के लिए हैंडपंप भी लगवाए जाते हैं। इसी के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जिस पर मुजफ्फरनगर के ब्लॉक बगरा में स्थित बरवाला गांव पड़ा। लगभग 13,000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 19 किलोमीटर दूर तो वही ब्लॉक से 6 किलोमीटर दूर है। वर्तमान में गांव के प्रधान सत्येंद्र वालियान है। लगभग 7100 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 329 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 106 हैंडपंप लगवाए गए हैं। वह विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 250 विद्युत पोल, 16 विद्युत ट्रांसफार्मर व 90 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 5 खडंजे, 10 सीसी टाइल्स रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 160 शौचालयों तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में बैंक, स्टेडियम, पशु चिकित्सालय, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, सीसी टाइल्स रोड तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 300 शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान बरवाला सत्येंद्र बालियान, विकास खंड बगरा, जिला मुजफ्फरनगर। मेरे गांव में मैंने 10-15 RCC डलवाई है अभी और इंटरलॉक लगवाई है। स्कूल में बहुत अच्छा स्कूल मैंने किया हुआ है, नंबर 1 प्राइमरी पाठशाला। और आगे मेरी जो प्राथमिकता है वो ये है कि प्रधानों का जो अधिकार है वो अधिकार मिलना चाहिए, जो सरकार अभी तक नहीं दे पा रही है, क्योंकि हमसे कुछ अधिकार छीन लिए गए जो 73वें संविधान संशोधन में थे, वो हमको नहीं पूरे आज तक मिल पाए। इसी सर्वेक्स में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से ये ऑनलाइन सिस्टम चालू हुआ, जब से प्रधानों के सामने बहुत दिक्कत हो रही है। ना किसी की पेंशन करा सकते, ना किसी का ऑनलाइन राशन कार्ड बनवा सकते, ना किसी का आवास बनवा सकते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज प्रधान के साथ खड़ी है। मैं तो उस राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से यही अपील करूँगा, ये अनुरोध करूँगा कि ये ऑनलाइन सिस्टम है, इसको प्रधानों पे, कोई प्रधान ऐसा नहीं है जो इसमें किसी की पेंशन बनवा दे या कुछ करवा दे। तो मेरी प्राथमिकता ये है कि गांव में जितने भी विकलांग हैं, जितने विधवाएं हैं और जितने वृद्ध जो 60 साल से ऊपर हैं, वे लोगों की उनकी पेंशन बने, जो आवासहीन हैं उनको आवास मिले, और जो राशन कार्ड से वंचित रह गए हैं वे उनको राशन कार्ड मिले। लेकिन इसमें बहुत देरी होती है, जो ऑनलाइन का सिस्टम चल रहा है इससे बहुत बड़ी दिक्कत प्रधान के सामने खड़ी है। मेरे गांव में जितने भी और बाकी काम बचे हैं उनमें इंटरलॉक और RCC जो मैं इसी साल करवाऊंगा, और अगले साल के लिए भी मैंने, जब भी बजट अगले साल का आएगा उसमें मेरी प्राथमिकता होगी। कूड़ेदान लगवाने का है, कूड़े का निस्तारण हो, और मैंने सौर ऊर्जा की लाइटें बहुत अच्छी लगवाई हैं। आगे जितने भी कच्चे रास्ते हैं, खड़ंजे हैं, वो शायद अगले वर्ष 2 साल में, अगले साल तक वो कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे गांव के प्रधान जी श्री सत्येंद्र बालियान जी गांव के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गांव विकास की ओर अग्रसर है, स्कूल भी ठीक चल रहा। सर मेरा नाम मनोज कुमार है और मेरी यहाँ पदोन्नति 8 अक्टूबर 2016 को हुई थी। जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ 79 स्टूडेंट्स थे और हमारे गांव के प्रधान जी इसमें बहुत अच्छे इनका रोल रहा। गांव में प्रभात फेरी निकाली, स्कूल चलो अभियान निकाला, तो आज हमारे विद्यालय में शायद मुझे लगता नहीं इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा कि 190 बच्चे हमारे विद्यालय में नामांकित हैं और 190 बच्चों में से लगभग 160-165 बच्चे उपस्थित रहते हैं। और रही विद्यालय की साफ़ सफाई की और विद्यालय प्रांगण की स्थिति के बारे में,
हमारे प्रधान जी ने यहाँ पे एक सफाई कर्मी की नियुक्ति भी की है, उसके पैसे भी खुद अपने जेब से करते हैं। और विद्यालय में जितना भी काम होता है, मिड डे मील का जितना भी खाना बनना है, इतना हर चीज़ ए टू जेड मीनू के आधार पर है। अभी हमारे यहाँ बी एस ए साहब आए थे अभी शनिवार में, तो भी इतना अच्छा बताए गए कि इतना अच्छा स्कूल है, इंटीरियर में है। प्रधान जी की इतनी बड़ाई कर रहे थे कि शायद हो सकता है कि शायद इतने काम जितने विद्यालय में प्रधान जी ने करा दिए, और हम भी जितने भी विद्यालय में पैसे आ रहे, चाहे वो SMC का हो, चाहे वे स्वेटर वितरण हो, चाहे जूते वितरण हो, चाहे ड्रेस वितरण हो, 100% प्रधान जी ने करा दिया। हर विद्यालय में शायद मुझे लगता नहीं 100% वितरण रहा हो, लेकिन हम अपने विद्यालय की ये कह रहे कि इतना अच्छा विद्यालय उन्होंने बनवा दिया, मुझे लगता नहीं शायद कोई इतना कर पाए। और जितनी भूमिका उनकी रही, हमारे स्टाफ की अच्छी भूमिका है, यहाँ आपस में सहयोग है, प्रधान जी की का बहुत इतना सहयोग है। शायद अगर और प्रधान जी होते तो शायद ना कर पाते, क्योंकि मैं पहले भी कहीं और रहा, उससे पहले भी कहीं और रहा, लेकिन यह है कि शुरू शुरू में मुझे पता लगा था कि बरवाला यहाँ ऐसा गाँव है, ऐसा गाँव है, लेकिन मुझे लगता नहीं इतना अच्छा गाँव है। मुझे यहाँ पूरे गाँव का सपोर्ट है, और प्रधान जी का सबसे ज़्यादा सपोर्ट प्रधान जी का है, क्योंकि उनके अंदर में हम काम कर रहे हैं। प्रधान जी विद्यालय में सारा खाना बनवाना, आज भी 50,000 रुपये लगभग समथिंग माइनस में हो गए थे हमारे यहाँ, तो प्रधान जी ने लगातार हमारे यहाँ खाना चलता रहा, माइनस में खाना चलता रहा, लेकिन प्रधान पैसा नहीं आया, लेकिन फिर भी प्रधान जी ने खाना चलाते रहे, और राशन भी लगभग 8-9 क्विंटल अपने घर से दे दिया। इतना शायद कोई नहीं देता, अगर किसी और विद्यालय में होता तो शायद खाना ना चलता बच्चों के लिए, और बच्चों की परफॉर्मेंस भी बहुत, आप बच्चों से रूबरू होगा देखो एक बार, बच्चों को पता लगा कि आपको पता लगा कि बच्चों में कितना यहाँ सुधार है। और मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ तक उम्मीद है कि जितना काम हम सब मिलकर कर रहे हैं, प्रधान जी हमारा साथ दे रहे हैं, तो और कोई इतना साथ ना दे पावे। अच्छा प्रधान है, बहुत काम करवा रहा था।